हाँ तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर्स यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन के हिसाब से नई पोजीशन में यहाँ पर जो है कौन सी प्राइस लेवल के ऊपर बना सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में बनानी है तो कौन से प्राइस लेवल के नीचे बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें करेक्शन और थोड़ा बहुत जो है पर टाइम बाउंड जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को भी अगर हम यहाँ पर आवरली बेसिस के हिसाब से भी अगर मैं पर जज करना चाहें तो यहाँ पर एक जो पैटर्न काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्म होते हुए देखने मिल रहा है वो ये कि डाउन साइड और अपसाइड के अंदर जो एक अच्छा सा स्क्वीज मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें स्लोली एंड स्लोली फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इस तरह के जो ट्रायंगुलर पैटर्न जो है कहीं को भी देखने मिलते हैं, अगर यहाँ पर भी अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है देना स्टार्ट करता है डाउन साइड के अंदर इस तरह के पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पर आप जो है शॉर्ट पोजीशन जो यहाँ पर बनाने का सोच सकते हो और लॉन्ग पोजीशन के लिए हम यहाँ पर जो इस तरह के प्राइस जो ब्रेकआउट है अपसाइड के अंदर उसका वेट कर सकते हैं। अबाउट दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल जाती है तो यहाँ पर आप जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हो, और यहाँ पर कम रिस्क लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 301 का जो प्राइस लेवल रहेगा काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें अच्छा लेवल रहेगा फॉर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।